नमस्कार, आज है 6 नवंबर बुधवार 2019 और आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ मैं आपके मध्य में। तो आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी, आज का तिथि, वार, नक्षत्र सहित शुभ शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त, आज का राहु काल, आज का यमगंड और साथ ही आज की भद्रा स्थिति, संपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ मैं सिर्फ एक वीडियो में। तो आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ में और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 6 नवंबर बुधवार 2019 और आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। जो हमने गिव अवे रख रखा है उसकी जानकारी आपको दे दूँ कि उसमें हम भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं सूर्योदय एवं चंद्रोदय के बारे में। तो आज का सूर्योदय सुबह 6:36 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:33 PM पर होगा। चंद्रोदय की बात करें तो 2:23 PM पर चंद्रोदय होगा और चंद्रास्त 1:47 AM नवम्बर 7 को चंद्रास्त होगा। आइए बात कर लेते हैं पंचांग के बारे में, आज के पंचांग के बारे में, आज का पंचांग, आज की तिथि के बारे में बात करेंगे। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष नवमी तिथि 7:21 AM तक रहेगी, उसके पश्चात फिर दशमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र की बात कर लेते हैं, शतभिषा नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक रहेगा। योग की बात करते हैं, योग वृद्धि 7:50 AM तक रहेगा, उसके पश्चात ध्रुव योग बनेगा। आइए बात कर लेते हैं करण की, कोलव करण 7:21 AM तक रहेगा, उसके पश्चात फिर तैतिल करण 8:38 PM तक रहेगा, उसके पश्चात गर करण होगा। आइए बात करते हैं वार के बारे में। आज वार होगा बुधवार, तो बुधवार के विशेष उपाय और विशेष जानकारी हेतु जैसा हमने गिव अवे में रख रखा है, आप मुझे कमेंट जरूर करें ताकि आपको ये जानकारी और ये स्पेशल जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो बुधवार के दिन आपको जो है बहुत सारे उपाय करने चाहिए जिससे आपको शुभाशुभ फल प्राप्त हों दैनिक उपवास और व्रत त्योहार के अंतर्गत। आइए बात करते हैं चंद्रमास एवं संवत के बारे में। लूनर मास, चंद्रमास जो है कार्तिक पूर्णिमांत होगा और कार्तिक का मांत होगा। संवत की बात करें तो शक संवत 1941 विकारी, विक्रम संवत 2076 परिधावी, गुजराती संवत 2076 विरोध का। इस प्रकार से जो है कुछ संवत की जानकारी है। अब बात कर लेते हैं राशि तथा नक्षत्र के बारे में। सूर्य राशि की हम बात करेंगे। सूर्य राशि जो है तुला राशि होगी और चंद्रमा जिस राशि में है वो राशि होगी कुंभ राशि। अब बात कर लेते हैं सूर्य नक्षत्र के बारे में। सूर्य नक्षत्र जो होगा वो है स्वाति नक्षत्र, 2:20 AM तक रहेगा, नवम्बर 7 तक, उसके पश्चात फिर विशाखा नक्षत्र होगा। नक्षत्र पद की बात कर लेते हैं, क्रमशः 1, 2, 3, 4 पर शतभिषा नक्षत्र बना रहेगा आज क्योंकि पूर्ण रात्रि तक जो है शतभिषा नक्षत्र है। आइए बात कर लेते हैं ऋतु तथा अयन के बारे में। दृक ऋतु जो है हेमंत ऋतु होगी, दृक अयन दक्षिणायन होगा। वैदिक ऋतु की अगर बात की जाए तो वैदिक ऋतु शरद ऋतु होगी और साथ ही वैदिक अयन भी दक्षिणायन होगा। बात कर लेते हैं दिनमान की, दिन कितने घंटों का होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो दिनमान जो है 10:56:24 का दिन होने वाला है। रात्रि मान की बात करेंगे, रात्रि कितने घंटों की होने वाली है, तो रात्रि की बात करेंगे तो रात्रि जो है 13:04:20 की रात्रि होने वाली है। आइए बात करेंगे मध्याह्न के बारे में। मध्याह्न जो है 12:05 PM पर मध्याह्न होगा। आइए बात कर लेते हैं आज के शुभ समय के बारे में। आज का शुभ समय, आज अभिजीत मुहूर्त है ही नहीं चूँकि बुधवार है इसलिए आज अभिजीत मुहूर्त बनता ही नहीं है। अब आज के अमृतकाल के बारे में बात करेंगे। अमृतकाल जो है 1:10 AM नवंबर 7 से 2:58 AM नवंबर 7 तक रहेगा। रवि योग की बात करें तो रवि योग भी 6:36 AM से 2:20 AM नवंबर 7 तक जो है रवि योग बनेगा। आइए बात कर लेते हैं विजय मुहूर्त के बारे में। आज का विजय मुहूर्त 1:54 PM से 2:38 PM तक जो है विजय मुहूर्त रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं गोधूली मुहूर्त के बारे में। आज का गोधूली मुहूर्त 5:22 PM से 5:46 PM तक गोधूली मुहूर्त होगा।
सयान्य संध्या की अगर बात करें तो 5:33 PM से 6:51 PM तक आज सयान्य संध्या का समय होगा। अब बात करें निशिता मुहूर्त के बारे में। जो निशिता मुहूर्त होगा रात्रि काल में 11:39 PM से 12:31 AM नवंबर 7 तक जो है निशिता मुहूर्त होगा, लगभग 11:40 से लेकर के तो 12:30 तक। और ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:52 AM नवंबर 7 से 5:45 AM नवंबर 7 तक जो है आज ब्रह्म मुहूर्त होगा। आइए बात कर लेते हैं आज की प्रातः संध्या के बारे में। आज जो प्रातः संध्या है वो है 5:19 AM नवंबर 7 से 6:37 AM नवंबर 7 तक जो है प्रातः संध्या होगी। आइए बात कर लेते हैं आज के अशुभ समय के बारे में। आज का अशुभ समय, आज का राहुकाल 12:05 PM से 1:27 PM तक जो है आज का राहुकाल होगा। आज का गुलिक काल 10:42 AM से 12:05 PM तक जो है आज का गुलिक काल होगा। यमगंड की अगर बात करें तो 7:58 AM से 9:20 AM तक आज का यमगंड होगा। और दुर्मुहूर्त की बात की जाए तो 11:43 AM से 12:26 PM तक जो है दुर्मुहूर्त आज का होगा। अब वर्ज की बात कर लेते हैं। वर्ज जो है 2:22 PM से 4:10 PM तक आज का वर्ज मुहूर्त होगा। और पंचक आज पूरे दिन रहने वाला है। तो पंचक में कुछ कार्य वर्जित होते हैं और पंचक में कुछ कार्य शुभ भी होते हैं। पंचक अर्थात जिसमें 5 लोगों का हाथ लगे, वो कुछ कार्य ऐसे हैं वो शुभ भी होते हैं और कुछ कार्य पंचक में वर्जित भी होते हैं। तो वो हमें अपनी स्थिति, परिस्थिति और समय के अनुसार वो कार्य हमें करने चाहिए। तो इसकी भी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके लिए एक और वीडियो ला सकूं। चलिए बात करते हैं आज के आनंदादि एवं तमिल योग के बारे में। आज का आनंदादि योग मानस होगा और आज का तमिल योग अमृत होगा। तो दोनों प्रकार से आज शुभ योग बन रहे हैं आनंदादि एवं तमिल योग के हिसाब से। आइए बात कर लेते हैं निवास और शूल के बारे में। आज होमावति शनि की होगी जो कि 2:20 AM नवंबर 7 तक होगी। और फिर उसके पश्चात शुक्र की होगी। आइए बात करते हैं दिशाशूल के बारे में। आज दिशाशूल उत्तर दिशा में होगा। उत्तर दिशा की यात्रा संभवतः ना करें तो बेहतर होगा। अगर फिर भी जरूरी हो तो कुछ उपाय हैं, उन उपाय को करके आप यात्रा कर सकते हैं। राहुवास की बात कर लेते हैं। राहुवास जो है दक्षिण पश्चिम में होगा और अग्निवास जो है पाताल में होगा जो कि 7:21 AM तक होगा। और फिर उसके पश्चात पृथ्वी पे होगा। चंद्रवास की बात करें तो चंद्रवास जो है पश्चिम में होगा। आइए बात करते हैं चंद्रबलम के बारे में। चंद्रबलम जो है निम्न राशि के लिए उत्तम चंद्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक होगा। मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ, कर्क राशि में जन्मे लोगों के लिए अष्टम चंद्र शुभ फलदायी होगा। आइए बात कर लेते हैं ताराबलम के बारे में। निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक होगा। अश्विनी, कृतिका, मृक्षिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, इस प्रकार से जो है ताराबलम होगा। तो आज दैनिक उपवास और व्रत त्योहार को कोई है नहीं विशेष, इसलिए आज हम दैनिक उपवास और व्रत त्योहार के बारे में बात नहीं करेंगे। और मित्रों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।